हाय एवरीवन, वेलकम टू सन इनपुटिंग। नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 ये स्टार्ट हो चुकी है, ये अभी इस रजिस्टर्ड करना होगा। तो हर एक स्टेट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय का स्कूल है, तो उसके लिए हर साल एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो ये टेस्ट के लिए क्लास 5th के स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं और क्लास 6 के लिए एडमिशन हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 5th में है तो इसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो साइट है navoday.gov.in, इसका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो ये ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर क्लास 6, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक अलग सा पेज मिल जाएगा। तो ये पेज के ऊपर आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल आपको मिल जाएगा। तो अभी शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि हर एक स्टेट में कितने सीट्स होते हैं, ये पूरे स्टेट वाइज यहाँ पर दिया है। देन आपको जो सिलेक्शन टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका टाइम टेबल दिया है कि 15th ऑफ डिसम्बर जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट जो है तो यहाँ पर 10th अप्रैल 2021 ये एग्ज़ाम डेट है। तो ये यहाँ पर लिंक भी दिया है कि कहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो स्टूडेंट्स है, तो ये कैंडिडेट्स का एज और क्राइटेरियम, तो सिलेक्शन प्रोसेस, ये पूरा ये प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया है, आप पूरा रीड कर सकते हो। तो इसे रूरल और अर्बन एरिया के लिए सीट्स अलग अलग होते हैं। रूरल एरिया के लिए 75% सीट्स होते हैं और अर्बन के लिए 25% सीट्स होते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये जो लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, हैव यू रीड प्रोस्पेक्टर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है कि प्रोस्पेक्टर आपने रीड किया है कि, इसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ से ये पेज से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो हर एक जो स्टेट का एप्लीकेशन ये सिमिलर रहेगा। तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करते हो तो उसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। तो ये से क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये सर्टिफिकेट होता है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो, वही आपको ये सर्टिफिकेट प्रिंट करके इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन फिल करना है। इसके यहाँ पर फोटो पेस्ट करके आपका पूरा नाम, जो एप्लीकेशन के अंदर जो डिटेल्स है वही डिटेल आपको फिल करना है। और नीचे यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर यानी स्टूडेंट का सिग्नेचर, और यहाँ पर नीचे पेरेंट सिग्नेचर करके ये स्कैन करके इसे अपलोड करना है। दूसरा जो है, जो भी स्टूडेंट ओबीसी के कैंडिडेट से या रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जो सेंट्रल की जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो भी कास्ट है, अगर उसके अंदर आते हैं तो ही एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। अदरवाइज ये जनरल में ये कैंडिडेट कंसिडर हो जाएगा। और आपको स्कैन कॉपीज आपको रेडी रखना है फॉर्म फिलअप करने के वक्त, जैसे कि कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का क्लियर फोटो एंड सर्टिफिकेट साइन बाय पेरेंट एंड कैंडिडेट, जैसे कि ये मैंने अभी बताया है। तो साइज ऑफ इमेज शुड बी बिटवीन 10 to 100 KB, इससे ज़्यादा इमेज की साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। और सर्टिफिकेट का जो साइज है तो 50 KB से लेके 300 KB तक सर्टिफिकेट का साइज रहना चाहिए। तो इससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। तो ये आपको स्कैन करके रखना है। हर साल फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता था, बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होता था। लेकिन अभी ये इजी स्टेप्स दिया है कि एक ही सिंगल एप्लीकेशन में आप इसे सबमिट कर सकते हो। तो चलो फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल डिटेल में अभी आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है जहाँ से कैंडिडेट स्टडी कर रहे हैं। तो आप जिस स्टेट में आपका कैंडिडेट का स्कूल है वही स्टेट आप सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र ले लेता हूँ। और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ।
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हर एक आगे का स्टेप ओपन हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा प्रोसेसिंग में वक्त लेता है। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो भी ब्लॉक में आप हैं यानी तालुका आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पर फिल करना है, जो कैंडिडेट फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो स्कूल में है वही स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास यूडाइस कोड है तो यूडाइस कोड भी नीचे ऐसे आप लिख दो। कैंडिडेट नेम, आपका जो कैंडिडेट नेम जो है तो आपका फिफ्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो जैसी है उस तरह से आपका ये नाम यहाँ पर आना चाहिए। देन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, जो वैलिड मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपका ओटीपी और जो भी फर्दर डिटेल्स है जो मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाएगी। देन डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरह से ये आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। देन ईयर के ऊपर क्लिक करना है, पीछे ईयर लेके जाना है और जो भी डेट ऑफ बर्थ है पहले ईयर सेलेक्ट करो, देन मंथ एंड देन डेट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन आपको ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है। देन नीचे मदर्स नेम, फादर्स नेम कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। देन नेम ऑफ द गार्डियन, अगर गार्डियन अगर है तो ये ऑप्शनल है, तो गार्डियन का नाम डालना है तो आप गार्डियन यहाँ पे डाल सकते हो। रिलेशनशिप विद गार्डियन, जो पालक होता है उसका रिलेशनशिप क्या है कैंडिडेट के साथ, ये आपको यहाँ पर लिखना है। देन नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इट्स इंडियन यहाँ पे आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है बॉडी के ऊपर या कैंडिडेट के, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कास्ट कैटेगरी जो है जनरल एससी एसटी एंड ओबीसी, ये जो सेंट्रलाइज कास्ट कैटेगरी सिस्टम है तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है कि जो कैंडिडेट जिस मीडियम से स्टडी कर रहा है तो उसी मीडियम से आपको एग्जामिनेशन अगर देना है तो आप मीडियम यहाँ से सिलेक्ट करो। हर एक लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश जो भी अपनी आपकी जो भी कैंडिडेट की मीडियम है यहाँ से सिलेक्ट करो। देन अगर कैंडिडेट डिसेबल है तो डिसेबिलिटी टाइप यहाँ से सिलेक्ट करो। तो ये तीनों में से कौन सा है ये आप जब सिलेक्ट करते हो तब आपको यहाँ पर नीचे अदर डिटेल्स डालना होगा, जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितना परसेंटेज है ये आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ से नीचे से आप परसेंटेज सिलेक्ट करो, मिनिमम परसेंटेज वैलिड जो है 40% से आगे परसेंट होना चाहिए तो इसका बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह से अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट है, विजुअल हैंडीकैप है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो, अदरवाइज नन सिलेक्ट करके आगे की इंफॉर्मेशन फिल। नेक्स्ट जो है रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदुज्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करो। अगर अदर है तो अदर आपको स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पे। आधार नंबर ये एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए कंपल्शन है, कंपलसरी है। जो पे स्टार मार्क जो भी जितने भी फील्ड है ये कंपलसरी आपको फिलअप करना है, यानी आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है और बाद में एनुअल इनकम पेरेंट का डालना है। ये एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करने के बाद आपका जो एड्रेस है ये एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर आपके पास टेलीफोन है तो एसटीडी कोड एंड टेलीफोन नंबर फिलअप करना है। तो नीचे जो है आपका प्रीवियस स्कूल डिटेल यहाँ पर फिल करना है कि कैंडिडेट का थर्ड स्टैंडर्ड का डिटेल, फोर्थ स्टैंडर्ड का डिटेल और फिफ्थ स्टैंडर्ड का डिटेल। तो इसमें क्या है कि थर्ड स्टैंड हर एक स्टैंडर्ड का आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज का नाम डालना है यहाँ पर, और नेम ऑफ द स्कूल स्कूल का नाम डालना है। अगर एक ही स्कूल है तो पूरा डिटेल सेम आ जाएगा, अगर स्कूल चेंज है तो आपको पूरा वो स्कूल का डिटेल अलग अलग डालना होगा। इससे इसका जो इम्पोर्टेंट है जो कि रिकॉग्नाइज और नॉट रिकॉग्नाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज अगर स्कूल है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज सिलेक्ट करना है। देन स्कूल लोकेशन रूरल और अर्बन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीट्स होते हैं 75% सीट से रूरल एरिया के लिए हैं तो ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो देन मंथ ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल का, स्कूल का ज्वाइनिंग डेट जो भी होता है हर एक से थर्ड स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का, ये आपको यहाँ पर ईयर एंड मंथ आपको स्पेसिफाई करना है।
ऊपर का पूरा डिटेल फिलअप होने के बाद आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपलोड करना है। तो अभी अपलोड इमेज, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट अपलोड करना है। तो इसका जेपीजी फॉर्मेट में आपको 10 से 100 KB तक आपको ये स्कैन करके रखना है। तो ये स्कैनिंग ऐप जो है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जैसे स्कैन करके इसे कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से चूज फाइल करो, जो जिस भी लोकेशन के ऊपर आपने स्टोर करके रखे वहां से आप सेलेक्ट करो और ओपन करो। तो हर एक फाइल आपको ऐसे अपलोड करना है, जैसे कि अभी कैंडिडेट सिग्नेचर, तो कैंडिडेट सिग्नेचर चूज फाइल, देन फाइल सेलेक्ट करो, ओपन करो। तो प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर मेमोरी के अंदर अगर ये फाइल है तो ये अपलोड इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद पूरा डिटेल एक बार फिर से एक बार चेक कर लो, और चेक होने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करो। प्रीव्यू के अंदर आपको आपका पूरा फॉर्म की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी, फोटो, सिग्नेचर, और ये पूरा आप एक बार फिर से रीड कर लो। रीड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, ये टिक करके यहाँ पे आपको जो कैप्चा डिस्प्ले हो रहा है तो ये फाइनल सबमिट, ये कैप्चा डिस्प्ले, कैप्चा नीचे ऐसे एंटर करके। तो नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन में दिया है कि अगर कैंडिडेट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्कूल में एक दिन भी अगर अर्बन स्कूल में पढ़ता है तो वो स्टूडेंट को अर्बन स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन फिलअप कर रहे हो वही फाइनल ट्रीट हो जाएगी। और इसलिए ये इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन फिल कर रहे हो करेक्ट फिलअप होना चाहिए, बाद में आप फाइनल सबमिट करिए। अगर आप ये आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हुआ है तो भी आप इसे एडिट कर सकते हो, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। एडिट करने के बाद फिर से आप फाइनल सबमिट कर सकते हो, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो गए तो ये डेटा जो आपने सबमिट किया है वही फाइनल रहेगा। जब भी आपका फॉर्म सक्सेसफुली फॉर सबमिट हो जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट डाउन करना है, आपके मोबाइल के ऊपर भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्म प्रिंट करना है तो यहाँ पर नीचे प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और ये आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करो और ये पूरा फॉर्म आप प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हो, या आपको पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में सेव कर सकते हो। तो हर एक स्टेट का रूल अलग अलग है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट करना है या स्कूल में सबमिट करना है तो आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके साथ के जो भी सर्टिफिकेट्स है, सर्टिफिकेट के अंदर आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जो तीन स्कूल की डिटेल जो है, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड की पूरा डिटेल फिलअप करके पेरेंट और कैंडिडेट का सिग्नेचर करके ये आपको सबमिट करना हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।